Hello everyone. Good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 6, subject Social Science, chapter number 9, Ancient Towns. So friends, in last video, we discussed about uh, unity. Uh, we understand the importance of the unity and we discussed many things about our nation. नाउ इन दिस वीडियो वी आर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अवर इंडियन कल्चर तो आज के वीडियो में जो हमें बात करनी है वो इंट्रोडक्शन से हम चालू करेंगे फिर रूइंस एंड हिस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे देन वी टॉक अबाउट इंडियूज वैली सिविलाइजेशन टाउन्स इन गुजरात टाउन प्लानिंग फूड हैबिट्स इकोनॉमिक लाइफ ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स सिल्स एंड स्क्रिप्ट एंड थिंग्स टू नो तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बड़ा भी है इतना बड़ा चैप्टर वन टू एट चैप्टर में वन टू नाइन चैप्टर में ये नाइन नंबर का ही चैप्टर है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे हमें बहुत सारी बातें पता चलने वाली है सो दिस इज़ योर एजुकेशनल वीडियो वी आर नॉट सिटिंग इन प्रॉपर कंडीशन देन लेट्स सिट डाउन इन अ प्रॉपर कंडीशन एंड टेक योर नोटबुक एंड पेन विथ यू मैं लास्ट वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ कि अभी आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो सीखना पड़ेगा तो जैसे ही कोई चैप्टर चालू होता है कोई वीडियो आप देखते हो वहाँ पे जो भी आपको लगे कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक तो इससे आपकी नोट्स प्रिपेयर होगी और एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन में इट विल बी हेल्पफुल टू यू तो जिन्होंने नोटबुक और पेन नहीं लिया है वो नोटबुक और पेन ले लें फॉर एग्जाम्पल नोट्स कैसे बनाने हैं तो ये इनिशियल है चैप्टर नाइन एंशियन टाउन तो ऐसा आप नोटबुक में लिख सकते हैं और कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं फिर जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हम डिस्कस डिस्कस uh, करेंगे वहाँ पे जो भी आपको लगे कि हाँ दिस इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड बाय दिस यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स तो आई होप दैट यू टेकन योर नोटबुक एंड पेन सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इंशियंट टाउन तो वी न्यू दिस थिंग वेरी वेल दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द ओलडेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हाउ मच ओल्ड सो अप्रोक्सीमेटली फाइव थाउजेंड इयर्स ओल्ड कल्चर वी हैव इन आवर कंट्री दीज आर द सम पिक्चर्स of different kind of monuments which built in our country and nowadays uh, these are lost in the history so we discuss about this kind of things if we talk about India then India was so big. this is the map of India Afghanistan Pakistan is all were the part of our country Nepal Bhutan Myanmar even though Sri Lanka also वॉज द पार्ट ऑफ़ फॉर्मर इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये एंशियंट टाउन के बारे में हम क्यों बातें कर रहे हैं तो देर इज़ अ रीज़न बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया एंड दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री जैसे हमारे घर में हमें सब पता होता है कि कहाँ बेडरूम है कहाँ किचन है कहाँ पे क्या है तो ये कंट्री भी हमारे घर जैसा है अब इसके आज की जो सिचुएशन है दैट इज़ डिपेंड ऑन द हिस्ट्री तो हमारी हिस्ट्री से आज की सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंस है हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो भी हिस्ट्री के बारे में ही था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और ये लास्ट चैप्टर भी हिस्ट्री के ऊपर ही है तो सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी तक इंडिया जो था वो मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट प्रॉस्परस नेशन ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश रूल इंडिया लॉस्ट इज़ ऑल प्रॉस्परिटी एंड नॉलेज तो यहाँ पे ये नॉलेज जब हमें मिलता है कि भाई इंडिया में हिस्ट्री में कितना डेवलपमेंट था देन वी वी शुड क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन आवर हार्ट एंड वी वर्क फॉर द नेशन तो स्कूल में आपके लाइब्रेरी में काफ़ी बहुत सारी बुक्स है पंचतंत्र की जो स्टोरीज है वो आपने सुनी होगी तो so, ये वो टाइम पर इन्वेंट और डिस्कवर और लिखा गया था जब पूरे वर्ल्ड में इतना डेवलपमेंट और कोई कंट्री में नहीं था एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं दैट अमेरिका इज डिस्कवर इन 1520 ट्वेंटी अमेरिको वेस्पुसी गिवन द नेम एंड आइडेंटिफाई द लैंडमार्क्स एज एन न्यू लैंड एंड ड्यू टू हिज दिस काइंड ऑफ डिस्कवरी द नेम ऑफ दैट रीजन इज गिवन अमेरिका पर अमेरिका ढूंढा कोलंबस ने था जब वो इंडिया ढूंढने के लिए 1400 सेंचुरी में इंडिया ढूंढने के लिए निकले थे तो वो बाय चांस अमेरिका चले गए थे पर उनको पता नहीं था कि ये अमेरिका है पर उनके बाद नया एक सेलर था अमेरिको वेस्पुसी उसने ये डिक्लेयर किया कि ये जो कोलंबस ने ढूंढा है वो इंडिया नहीं है और उसकी वजह से उसको नाम दिया गया अमेरिका अब अमेरिका 1520 में डिस्कवर हुआ उसका उसकी उसकी आइडेंटिटी हुई और 2020 में अमेरिका इज़ वन ऑफ द सुपर पावर नेशन ऑफ़ द वर्ल्ड 1950 तक 1939 से 1940 से 1950 का अगर आप पीरियड गिनो तो उससे पहले चाइना के ऊपर एक छोटा सा जापान जापान जो कंट्री है वो रूल करता था उसके बाद आज चाइना कितना पावरफुल हो गया है तो इन शॉर्ट पीरियड में अगर ये नेशन इतने डेवलप्ड है तो हमारा नेशन क्यों पीछे है जो पहले से ही डेवलप था 1520 में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तब इंडिया में डांस फॉर्म भी था आर्ट एंड लिटरेचर भी था मेडिकल साइंस भी बहुत डेवलप था ऑल द विज एंड टाउन्स एंड पीपल ऑफ़ दैट टाउंस एंड विलेज इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेबल और फिर एकदम से क्या हो गया कि ये हमारी प्रॉस्पेरिटी चली गई इतना हमारा नॉलेज था वो चला गया तो उसका रीज़न है ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग वी लॉस्ट ऑल आवर आइडेंटिटी

कोई भी आइडेंटिटी ये फॉरेन कंट्री का है ये हमारी कंट्री का है तो कोई भी चेंज अर्थ के ऊपर आता है उसके उसका रीज़न है नेचुरल डिजास्टर स्पेशली अर्थ क्वेक को आप गिन लो ड्यूरिंग सच अ चेंज विच में ऑल्सो बी कॉस्ट बाई एवोल्यूशन वाटर बॉडीज़ में बिकम लैंड एरियाज एंड लैंड एरियाज में बिकम्स बिकम वाटर बॉडी तो जब अर्थ क्वेक होता है तो कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे वाटर बॉडी है वहाँ पे लैंड मास हो जाए और जहाँ लैंड मास है वहाँ पे वाटर बॉडी हो जाए फॉर एग्जांपल हिमाल हिमालय माउंटेन इज़ अप्रोक्सीमेटली फाइव करोड़ इयर्स ओल्ड माउंटेन और हिमालिया जब नहीं था तो वहाँ पे एक थैथसी सी करके एक ओशन था फिर जब यूरोपियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेस टकराई एक दूसरे से तो वहाँ पे हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुआ तो जहाँ पे ओशन था वहाँ पे माउंटेन हो गया वैसे ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें साउथ पेनसुलर की बात करें तो अभी जहाँ पे अरेबियन ओशन है वहाँ पे पहले लैंड हुआ करता था बड़ा सा लैंड हुआ करता था आगे कुछ भी आप देख नहीं सकते थे और फिर ये टेक्टोनिक प्लेस की एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक हुआ और वहाँ पे ये अरेबियन सी फॉर्म हुआ और वहाँ की जो लैंड थी वो सबमच हो गई तो इस वजह से हद के ऊपर चेंज होते हैं समटाइम्स स्मॉल और बिग टाउन्स आर ब्यूरिड अंडरग्राउंड कभी कभी ये हद को एक में ऐसा होता है कि छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर बस जाते हैं जैसे हम द्वारका की बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान की द्वारका तो अभी उसके रूइन वहाँ अरेबन ओसन में आपको मिल जाएंगे उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है पर कभी एक जमाने में महाभारत के टाइम पर जो द्वारका था वो एक टाउन था ड्यूरिंग एन एग्जर्वेशन दिस टाउन्स में बी डिस्कवर्ड कभी कभी कुछ एग्जर्वेशन वर्क होता है कुछ बनाने के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब कुछ ज़मीन को खोदा जाता है तो उसके अंदर से हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे टाउन्स होते थे किस तरह के एविडेंस मिलते थे तो जैसे कॉइन्स है वेपन्स है वेसल्स है ऑर्नामेंट्स है एक्सेट्रा में बी फाउंड द मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग द एग्जर्वेशन आर कॉल्ड रूइंस और रिमेन्स तो जब ये एग्जर्वेशन वर्क होता है और वहाँ से जैसे यहाँ पे आप स्टेच्यू देख रहे हैं देख रहे हैं तो ये अर्थक्वेक के थ्रू अगर जमीन के अंदर चली गई कभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई तो यहाँ से ये स्टेच्यू बाहर आया तो अब ये स्टेच्यू को हम बोलेंगे रिमेइंस और तो रूइंस

एंशियन टाउन्स तो एनशियन टाउन्स के बारे में हमें पढ़ने को मिल रहा है कि किस सोर्स की वजह से मिल रहा है कि इसके एविडेंस हमें मिले हैं उसकी वजह से हमें एंशियन टाउन्स के बारे में आज सब इंफॉर्मेशन मिल रही है तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रूइंस ऑफ द हिस्ट्री विथ अ कंपेरेटिव एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ दिस रिमेंस ऑथेंटिक हिस्ट्री इज़ रिटर्न तो ये जो हमें एविडेंस मिलते हैं उससे हमें एक ट्रस्टफुल ऑथेंटिक हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है कि हाँ इसी तरह का एटमोसफियर या तो कल्चर वहाँ पे या तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो टाइम पे होती होगी तो हमें इंडिया की इस तरह की फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात करनी है जिसका नाम है इंडियूस वैली सिविलाइजेशन अब मैं पहले आपको इंडिय वैली सिविलाइजेशन का एरिया बता देता हूँ तो ये जो आप पूरा डार्क ब्राउन कलर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन का है जिसको बोला जाता है इंड्यूज़ वैली सिविलाइजेशन 2600 से लेकिन 1900 हंड्रेड ईयर्स ओल्ड अब यहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे रहा है देखिए तो यहाँ पे मेजर जो हमें डिस्कस करना है ये है पूरा इंड्यूज़ वैली सिविलाइजेशन जिसमें हरप्पा है मोहनजोदरो है और लोथल है अब इसका नाम इंडियस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा क्योंकि ये देखिए रिवर ये इंडियस रिवर है जैसे आजू बाजू में ये रीजन है इसलिए इसका नाम पड़ा इंडियस वैली सिविलाइजेशन अब यहाँ पे ये कुछ उसके रीजन है जो आज का पंजाब जो पाकिस्तान में है वो ये एरिया है अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली तो बहुत सारा एंशन टाउन का पोर्शन जो है आज की डेट में पाकिस्तान में है अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे टाउन्स पहले के ज़माने में होते थे क्योंकि लोग कम होते थे इसलिए वहाँ पे भी जो स्पेस यूटिलाइज होती थी वो भी कम ही होती थी ये है लोथल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये पोर्ट था वो टाइम पे यहाँ पे आप शिप्स और सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख सकते हैं तो

तो ये साइज़ हमें मिली जब हमने यहाँ पे सर्च किया तो हमें पता चला कि हमारे आज के प्रेजेंट टाइम में जो एक्टिविटीज़ होती है उससे कितनी एडवांस एक्टिविटी वो टाइम पे होती थी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थ्री थाउजेंड ईयर्स एगो जब कंप्यूटर और कोई मशीन्स अवेलेबल नहीं थे सिंस द सिविलाइजेशन वाज बोर्न इन द वैली ऑफ इंडियूज़ रिवर इट केम टू बी नॉन एज़ इंडियूज़ वैली सिविलाइजेशन और द हरापन सिविलाइजेशन तो मोहन मूवी आई थिंक आप सबने देखा होगा तो उसमें जो दिखाया गया डेक्टली उसी उसी तरह का वहाँ पर वहाँ पर लाइफ लाइफ स्टाइल होता था तो सबसे पहले जो हमें वो मिला था वो मोहिंदो हरप्पा से मिला था सबसे एंशियंट टाउन ये हरप्पा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फिर उसके बाद मोहन और लोथल वो एक ही ड्यूरेशन में सब डेवलप्ड हुआ था दिस uh, ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडियस वैली के आजू बाजू डेवलप हुई थी इसलिए इसको बोला गया इंडियस वैली सिविलाइजेशन दिस सिविलाइजेशन बिलोंग टू 3000 थाउजेंड बी सी ई टू फिफ्टीन हंड्रेड बी सी पीरियड तो जीरो से माइनस में आपको जाना है ठीक है तो पहले 3000 आएगा फिर 1500 आएगा उतना पुराना है ड्यूरिंग द एग्जिशन ऑफ दिस टाउन्स ब्रिक्स वेसल्स ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा वेयर फाउंड तो so, ये जब साइट्स का एग्जाबिशन वर्क हुआ तो वहाँ से ऑर्नामेंट्स मिले वेसल्स मिले ब्रिक्स मिले दिस गेव अस अ रिच कल्चरल हेरिटेज विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट तो ये जब हमें एविडेंस मिले देखिए यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स वगैरह सब दिखाई दे रहा है जब हमें ये सब मिला तो हमें पता चला कि हमारे सेक्टर कितने एडवांस थे अब गुजरात में कौन से टाउन्स है उसके बारे में बात करते हैं टाउन्स इन गुजरात मैन मैनी टाउन्स ऑफ द इंडिज वैली सिविलाइजेशन आर फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर तो यहाँ पर आपको ये गुजरात के जो टाउन्स हैं वो हैं यहाँ पर लोथल आपको दिखाई दे रहा है ये रंगपुर ये लोथल रोजड़ी जो अहमदाबाद के पास है धोलावीरा जो मैंने अभी आपको धोलावीरा भी दिखाया तो ये जितने भी टाउन्स हैं वो गुजरात में मिले थे अमोंग दिस लोथल वॉज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप पोर्ट सिटी उसमें से सबसे बड़ा ये था लोथल और पोर्ट सिटी था वो अब वहाँ से हमें क्या मिला ये रंगपुर का है रि, रिमेन रिमेन जो बाकी बचा हुआ जो हमने साइड जब एग्जिशन की तो यहाँ से हमें ये मिला और अगर देखने जाए तो ये सब आप देख सकते हैं तो वहाँ पे वेल्स भी थे इस तरह के रूम्स भी थे आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके घर किस तरह से बने होंगे ये ये वेल है ये शायद किचन हो सकता है तो ये सब जब हमें एविडेंस मिले तो हमें पता चला कि हमारा स्टेट गुजरात भी कितना डेवलप्ड होगा इट इज़ सिचुएटेड इन धोलका तालुका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड इन 85 फाइव किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद नियर द गल्फ़ ऑफ खम्बात तो यहाँ पे गल्फ़ ऑफ खम्बात हमें ये दिख रहा है लोथल उससे 85 फाइव किलोमीटर दूर था द टाउन्स ऑफ रंगपुर नियर लिंबड़ी एंड रोजड़ी नियर गोंडल इन सौराष्ट्र तो सौराष्ट्र में हमें रोजड़ी सयाद दिए मे में नहीं मिलेगा बस सौराष्ट्र का ये रीजन है जहाँ पे ये रोजरी विलेज हुआ करता था और आज की डेट में भी है देसलपुर एंड धोलावीरा इन कच्छ वेर आल्सो एग्जाबिटेड तो धोलावीरा यहाँ कच्छ में था ये रहा धोलावीरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये तो ये जितने भी है वो हमारे एंशियंट टाउन से गुजरात के अब टाउन प्लानिंग किस तरह का होता था वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये साइट्स के ऊपर हमें ये सब कुछ मिला था ये सब पुराने फोटोज़ हैं टाउन प्लानिंग टू मेजर सिटीज़ हड़प्पा एंड मोहिंदोदरो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केयरफुली प्लांट बिल्ट ऑन अ ग्रिड विथ सिटी ब्लॉक्स हाउसेस हैड प्लम्बिंग सिस्टम सेवियर बैनेट द स्ट्रीट्स हैड थिक सिटी वॉल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिवर्स फ्लडिंग तो सिटी के टाउन के आजू बाजू बड़ी वॉल्स होती थी ये उसका ए रियल व्यू है जो ऊपर से लिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं ये तो अच्छे तरीके से ये बनाया गया था यानी आर्किटेक्टर जो था वो हमारा साइंटिफिक बेस पे था ना ही कि ऐसे हमने फ्लुक में बना दिया हो टाउन प्लानिंग्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स ऑफ द इंडिज वैली सिविलाइजेशन This is especially evident in the city of Mohenjo-daro. The scientific and outstanding town planning of those days is a wonder. तो so, ये town planning आज से तीन हजार साल पहले हुआ था आज के date में अगर हम हमारे town planning को compare करें तो वो भी इसी तरह का है कि right angle पर uh, cross होते हैं roads, streets होती है जो main door होता है वो रोड uh, साइड होता है विंडोज होती है फ्लोर्स होते हैं तो ये सब तीन हजार साल पहले ये लोग विदाउट एनी काइंड ऑफ मशीन दे वर कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग्स अब अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो किस तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी तो ये मोहिंद की है द लोअर सिटी वॉज लेड आउट इन ग्रीडेरियन विद द मेन स्ट्रीट अबाउट फोर्टी फाइव फ़ीट वाइड फोर्टी फाइव फ़ीट वाइड के रोड होते थे प्राइवेट हाउस ऑलमोस्ट एवरी वन विथ इट्स ओन वेल बाथिंग स्पेस एंड टॉयलेट कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्रिक्स सीट ओवर अ ड्रेनेज एरिया तो खुद के वेल्स होते थे खुद का टॉयलेट होता था खुद का बाथरूम्स होते थे ब्रिक्स लाइन ड्रेन प्लस बाई वॉटर कैरिड लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट टू सम्पस वेर इट वॉज कार्टेड अवे प्रोबेबली टू फर्टिलाइज नियर बाई फील्ड्स तो ये जो भी लीटर्स जो निकलता था जो भी कचरा निकलता था टॉयलेट से या आ, कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज है उसको किस तरह से टाउन्स के बाहर लिया ले जाया जाता था और उसको भी किस तरह से रीयूज किया जाता था यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल एंट्रेंस सिटी है ग्रीट पैटर्न विथ स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग फेसिंग कार्डियन कार्डिनल डिरेक्शन बिल्डिंग्स बिल्ट आउट ऑफ मर्ड ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर ऑन अ प्लेटफॉर्म और भी हैं यहाँ पे ट्रेड गुड्स टेराकोटा पॉज बीज, गोल्ड तो ये तो हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे तो इस तरह के बिल्डिंग मोहन जोधरो हरप्पा सिविलाइजेशन में होते थे तीन हजार साल पहले मोस्ट ऑफ द इंडियज टाउन्स वे ग्रीट प्लान सिटीज इन अदर वर्ल्ड ऑल द स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स द हाउस वेयर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म डेट वेयर अबव फ्लड लेवल्स यानी जमीन से थोड़ा ऊपर हाउस बनाते थे जिससे फ्लड लेवल को एवॉइड किया जाए द हाउस बिच वेयर ऑन द स्मॉलस्ट स्ट्रीट इधर सिंगल और डबल स्टोर जो स्मॉलस्ट स्ट्रीट में होते थे वो एक फ्लोर या दो फ्लोर के होते थे वेयर प्लान एंड यूनिफॉर्म इन प्लान प्लेन एंड यूनिफॉर्म इन प्लान द रूम्स ऑफ इच हाउस वेयर अरेंज अराउंड अ क्वार्टर मोस्ट ऑफ द डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउस ओपन आउट इन टू स्मॉल स्ट्रीट इंस्टेड ऑफ द मेन रोड देर वॉज अ स्टेरकेज इन एवरी बिल्डिंग एंड ईच हाउस हैड अ सिंगल एंट्रेंस तो हमारे घर में भी आज के डेट में सिंगल एंट्रेंस है वन ऑफ एवरी थ्री हाउसेज हैड अ वेल एंड मैनी हाउसेज़ हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया टू हर तीन घर छोड़ के एक वेल होता था जिससे पानी की तकलीफ ना हो कुछ घरों में खुद का बाथरूम भी होता था एंड एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम वॉज लेड आउट द ड्रेन इन द हाउज लेड टू असपुल और मेन हॉल द ड्रेन्स अलॉन्ग द मेन रोड वेयर कवर्ड एंड वेर इंस्पेक्टेड एंड क्लीन रेगुलरली तो जैसे आज के डेट में हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अंडरग्राउंड है तो ये हमने वहाँ से तीन हजार साल पहले जो होता था वहाँ से सीखा था और कवर होता है उ, उसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है तो इनकी वहाँ पर भी ड्रेनेज लाइन जो पास होती थी वो कवर होती थी और जैसे आज के डेट में हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेसन के जो एम्प्लॉई है उसको क्लीन करते वैसे वो टाइम पे भी ऐसे एम्प्लॉई अपॉइंट किए जाते थे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटीज स्टैंड आउट एज अ रिमार्केबल फीचर तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो क्लिनलीनेस के बारे में कितने अवेयर थे कितने एडवांस थे अब तीन हज़ार साल पहले अगर हमारी कंट्री में ये सब होता था तो फिर आज की तो बात ही हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो सब उनके आइडिया हैं हमारा तो कुछ है ही नहीं अब रोड्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए उसके रोड्स हैं ये स्ट्रीट है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये उनके रोड हैं किस तरह से एकदम वेल प्लान बने हुए हैं देर वेर टू बिग टाउन्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन हरप्पा एंड मोहेन इन द इंड वैली द रोड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड डिवाइड द सिटी इंटू लार्ज ब्लॉक्स तो आज के डेट में भी हमारे जितने भी हाउसेज़ है वो इसी तरह से है जहाँ पर भी रोड इंटरसेक्ट करता होगा वहाँ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता होगा विथ इन ईच ब्लॉक्स देर वॉज अ नेटवर्क ऑफ नैरो लेंड्स द मेन रोड्स वेयर थर्टी थ्री फीट वाइड एंड वेयर क्लीन रेगुलरली जो उनके मेन रोड थे वो थर्टी थ्री फीट वाइड होते थे और डेली क्लीन होते थे देर वेर क्ले पॉट्स फॉर गारबेज एंड स्ट्रीट लैम्प्स ऑन पॉल्स वहाँ पे जैसे हमारे सिटी में हम देखते हैं गारबेज के लिए आ, रखे जाते हैं बकेट्स वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे पॉट्स रखे जाते थे और जैसे हमारे स्ट्रीट लैम्प्स है वैसे ही वो लोग भी थ्री थाउजेंड पहले ऐसे स्ट्रीट लैम्प यूज़ करते थे द रूंस एट लोथल इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड्स तो लोथल में से जो एविडेंस मिले वहाँ से ये भी पता चलता है कि वहाँ पर रोड के दोनों साइड पर मार्केट्स भी होते थे जिसके भी हम पिक्चर्स आगे देखेंगे तो कितना एडवांस ये कल्चर हुआ करता था तीन हज़ार साल पहले और ब्रिटिश रूल में हम ये सब हमारा नॉलेज टैलेंट भूल गए तो ये है हिस्ट्री स्टडी करने का बेनिफिट कि हमें हमारी कंट्री के बारे में सब फैक्ट पता चले आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि कितना वेल प्लान होगा अब वो टाइम पे ऐसे कोई मशीन्स नहीं थे जैसे भी नहीं थे कोई भी ऐसे मशीन्स कंप्यूटर्स नहीं थे आज तो कंप्यूटर के ऊपर पूरा प्लान आउट होता है पर वो टाइम पे विदाउट कंप्यूटर विदाउट एनी मशीन थे बिल्ड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज़ कम्प्लीटली लाइक मैजिक क्योंकि ये तो हम चमत्कार ही इसको बोल सकते हैं और आज के आ, आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ है फिर भी हम कितने एक्सक्यूज़ निकालते हैं सो दिस इज़ द थिंग ऑफ दिस पार्ट ऑफ़ द वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम पब्लिक बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे उनके फूड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो लाइक द वीडियो प्रेस द बेल आइकन सब्सक्राइब द चैनल चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना फिर बेल आइकन को प्रेस कर देना तो जब इसका नया पार्ट रिलीज होगा अपडेट करूंगा मैं अपलोड करूँगा तो आपका आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आज के भी मैं यहाँ तक ही रखते हैं टिल देन स्टे होम स्टे गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच